जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, महाराज अजय के पास में होंगवान शहर के आसपास के चार साम्राज्यों के चार सम्राट वहां पर आए थे। वह महाराज अजय से नए प्रिंसिपल के बारे में पूछताछ करना चाहते थे कि नया प्रिंसिपल कौन होगा। जब उनको पता चला कि नया प्रिंसिपल कोई युवा है, तो उन्होंने उसके प्रति विरोध करने के लिए मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक लेटर भेजना सुनिश्चित किया, ताकि उन्हें आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल ही आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। इसीलिए उन्होंने आने वाले प्रिंसिपल का विरोध किया था। लास्ट एपिसोड में इसी सस्पेंस के साथ में वह स्टोरी खत्म हो गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। वहीं दूसरी ओर मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर सभी घायल छात्र जो उस लड़ाई के अंदर घायल हुए थे, वह सभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि वह सभी उस लड़ाई के अंदर अपनी जान पर खेलते हुए लड़ रहे थे। लेकिन आखिरकार उनके साथ में क्या हुआ? उन सभी मास्टर टीचर्स को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। क्यों मास्टर टीचर एकेडमी ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा? क्या वह सभी अपने सम्मान को खो दिए क्योंकि उन्होंने जानवरों के सामने हार मान ली थी? क्या उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का कोई भी ध्यान नहीं था? एक ग्रेड 4 के स्टूडेंट ने खड़े होते हुए टेबल पर जोर से हाथ मारा और उसने कहा, हम सभी वहां पर अपनी जान पर खेल के लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी इन सभी ने हमें यहां पर बुला लिया। यह सब कुछ हमारे लिए अपमानजनक है, क्योंकि हम सभी वहां पर इस मास्टर टीचर एकेडमी की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उन सभी पीस्टों के सामने हार मान ली। यह तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात थी। एक दूसरे स्टूडेंट ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने सुना है कि मास्टर टीचर एकेडमी के सभी प्रमुख उस समारोह के शुरू होने से पहले इस लड़ाई को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बातचीत का सहारा लिया ताकि वह जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करें और नए प्रिंसिपल को नियुक्त किया जाए। यह सब बकवास है। क्या केवल इसी के लिए कि नया प्रिंसिपल बनने वाला है और हमें उसी चीज के लिए उस युद्ध के क्षेत्र से पीछे हटाया गया और उन जानवरों के सामने हार मानने के लिए हमें मजबूर कर दिया गया? ये सभी मास्टर टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। ये शर्मनाक बात थी कि हमें उस युद्ध के अंदर से हार मान के पीछे हटा दिया गया, वो भी किसी और के प्रति नहीं बल्कि बीस्टों के प्रति। मास्टर टीचर के रूप में हम सभी मानव जाति की नींव है और हमें केवल एक छोटी सी लड़ाई से पीछे हटा दिया गया। हम अगर वहाँ पे हार भी जाते तो कम से कम हमें सम्मान तो महसूस होता, लेकिन यहाँ पर हमें पहले ही उस युद्ध से बातचीत करके पीछे हटा दिया गया था। हम सभी वहाँ पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। सभी घायल स्टूडेंट्स के दिल के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा उमड़ आया था। अब उन्हें नए प्रिंसिपल के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि नए प्रिंसिपल की वजह से ही उन्हें उस युद्ध से पीछे हटाया गया था। लेकिन ये सब कुछ बातें तो अलग थी, उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें तो सीधा युद्ध से यहाँ पर लाया गया था। उद्घाटन समारोह को सही ढंग से चालू रखने के लिए सभी मास्टर्स अपने अपने काम के अंदर लगे हुए थे। सभी 10 स्कूल प्रमुख उस कार्य के अंदर लगे हुए थे, इसीलिए उन्होंने उस जगह की बातों को बाहर नहीं बताया, ताकि किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। वह इसके बारे में समारोह के बाद में बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन सभी स्टूडेंट्स को उसके बारे में नहीं बताया। और अगर वहाँ पर प्रिंसिपल नितिन नहीं पहुँचते तो यह भी हो सकता था कि सामने वाले जितने भी संत जानवर है मास्टर टीचर्स के टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि उनके सर पे भी खून सवार था, वो भी उस लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहते थे। लेकिन जब नितिन ने उन सभी को अपना पालतू जानवर बना लिया था, इसीलिए अब वह पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। चलो ठीक है, क्या तुम में से कोई जानता है कि नया प्रिंसिपल कौन है? भीड़ के बीच में से किसी ने पूछा। कुछ स्टूडेंट्स ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हम सभी को भी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि मास्टर टीचर एकेडमी के प्रमुखों ने पहले ही उस बात को छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि वह इस बात को कहीं पे भी नहीं बताना चाहते थे। और जबकि हम इस मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें भी उस बारे में कुछ पता नहीं है कि नया प्रिंसिपल कौन बनने वाला है। इस बात की कौन परवाह करता है कि नया प्रिंसिपल कौन बनेगा? लेकिन इतना तुच्छ काम कि मास्टर टीचर्स अपने सिर को नीचे झुकाकर वो भी बीस्टों के सामने हार मान ली, ये तो मास्टर टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बात है। तो ठीक है, हम सभी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम उसको अपना नया प्रिंसिपल नहीं बनने देंगे, क्योंकि उसी की वजह से तो ऐसा फैसला लिया गया कि हमें उस लड़ाई से पीछे हटा दिया गया। हम सभी उस समारोह के अंदर विघ्न जरूर डालेंगे
एक व्यक्ति ने उन सभी से कहा, हाँ तुमने सही कहा, हम ऐसा ही करेंगे। अब यह तय रहा, हम सभी कल उस समारोह के अंदर ये सभी चीजें जरूर करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा हमारा प्रिंसिपल बने जिसको उस लड़ाई से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। उन सभी स्टूडेंट्स के अंदर अब नितिन के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ आया था, लेकिन उन सभी को ये नहीं पता था कि नितिन ने पहले ही उन सभी जानवरों को अपना पालतू जानवर बना लिया है और उन सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डाला था। और उन सभी बातों से अनजान नितिन अपने घर के अंदर रिया को कुछ साधना टेक्निक सिखा रहा था जो उसकी जहर बॉडी के लिए कारगर होगी। उसको वह सब करते करते रात से सुबह हो गई थी और अब उसको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, क्योंकि उसने अब तक कोई भी आराम नहीं किया था। और वह सुबह का नाश्ता करने जा ही रहा था, जितने में उसको आवाज़ आती है, प्रिंसिपल नितिन। अचानक हेड उत्कर्ष नितिन के घर पे आ गए थे और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, ये आपका नोट है, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको इसी के हिसाब से काम करना है। हेड उत्कर्ष ने नितिन को एक टोकन देते हुए कहा, उसके अंदर समारोह से रिलेटेड सभी बातें लिखी हुई थी कि नए प्रिंसिपल को बनाए जाने से पहले क्या क्या किया जाता है। नितिन ने जब उस टोकन को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने देखा कि उसके अंदर 3 इवेंट्स लिखे हुए थे जो किसी भी प्रिंसिपल को बनाए जाने से पहले किए जाने थे। पहला इवेंट था क्विज इवेंट, जिसके अंदर सभी मास्टर टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स नए आने वाले प्रिंसिपल से कुछ सवाल जवाब करेंगे। और दूसरा इवेंट था सभी पुराने प्रिंसिपलों की स्वीकृति लेना। और लास्ट इवेंट लेक्चर देना। और ये सभी इवेंट्स बहुत ज़्यादा थकाने वाले थे। इसके अंदर नितिन की हालत ख़राब होने वाली थी, क्योंकि अब उसे ये सभी चीज़ें करनी होगी और इसे इन सभी चीज़ों को करने में कम से कम आधा दिन तो लग ही जाएगा। लेकिन अब नितिन को वह सभी काम तो करने ही होंगे, क्योंकि अब वह मास्टर टीचर एकेडमी का नया प्रिंसिपल जो बनने वाला था और उसे सभी Tier 1 साम्राज्यों के अंदर के सभी व्यक्तियों का ध्यान भी रखना था और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित भी करना था। अगर वह ये सभी काम नहीं करेगा तो किस तरह से मास्टर टीचर एकेडमी और आसपास के सभी Tier 1 के साम्राज्यों का ध्यान रख पाएगा। और ये सभी इवेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अपने प्रिंसिपल नितिन की चुप्पी देखकर हेड उत्कर्ष को डर लगा कि कहीं पर प्रिंसिपल नितिन को कुछ समझ ना आए और वह उस समारोह के अंदर कुछ गड़बड़ ना कर दे, क्योंकि वह तो पहले ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ किया करते थे। इसीलिए हेड उत्कर्ष ने आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल नितिन को समझाना शुरू कर दिया। प्रिंसिपल नितिन, आपको सबसे पहले क्विज देना होगा, जिसके अंदर आपसे सभी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स सवाल जवाब करेंगे और उसके अंदर आपको उनके सामने खड़ा रहना होगा। अगर आप उनके सभी सवालों के सही सही जवाब देंगे तो आप उनकी स्वीकृति जीत जाएंगे। इसके अंदर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपसे कोई भी सवाल कर सकता है। इससे आपके ज्ञान का भी पता चलेगा कि आपको कितना ज्ञान है। और आप कृपया ध्यान रखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मास्टर टीचर्स आएंगे जिनका ज्ञान बहुत ही अधिक होगा। उनके सभी प्रश्न या तो साधनाओं के ऊपर होंगे या किसी के गुण के ऊपर, जैसे कि उसका कोई प्रोफेशन जिसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन हेड उत्कर्ष ने देखा था कि प्रिंसिपल नितिन का ज्ञान कितना ज़्यादा गहरा था और उन्होंने ये भी देखा था कि उनके छात्र किस तरह से किसी को भी लेक्चर देने में सक्षम थे और इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेड उत्कर्ष को समझ में आ गया था कि नितिन आराम से उस इवेंट को संभाल लेगा। और ये सभी सवाल जवाबों का इवेंट आसपास की जनता को अपने साथ में खड़े करने के लिए एक मंच था। और दूसरा है सभी पुराने प्रिंसिपलों के पावती के सामने जाकर उनकी स्वीकृति लेना। और जैसे कि आपके गुण हैं ते हुए, चाहे आप एक 6-स्टार मास्टर टीचर नहीं हैं, लेकिन आपके पास 6-स्टार प्रोफेशन के सील्स हैं और आप उन्हीं सभी चीज़ों के साथ में आप सभी पुराने प्रिंसिपलों के पावती हॉल में जाकर उनकी स्वीकृति आराम से हासिल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी काम है, आपको एक नए प्रिंसिपल की एक सील बनवानी होगी जो केवल आप वहाँ पर बैठे सभी मास्टर्स और स्टूडेंट्स की स्वीकृति पाकर ही बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कठिन परीक्षा है किसी भी नए प्रिंसिपल के लिए। और मुझे तो ये लगता है कि आपकी एज को देखते हुए सभी मास्टर टीचर्स और स्टूडेंट्स
इसके विरुद्ध जरूर जाएंगे और वह आपको रोकने की कोशिश भी जरूर करेंगे, क्योंकि वह ये भी नहीं चाहेंगे कि मास्टर टीचर एकेडमी का कोई नया प्रिंसिपल एक युवा हो जिसकी एज 20 वर्ष की हो। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि पुराने प्रिंसिपल के पास में गोल्डन सील थी। गोल्डन प्रिंसिपल सील? नितिन के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, जितने ही मास्टर टीचर्स और जितने ही प्रिंसिपल हैं, वो अगर आपको प्रिंसिपल मानेंगे तो उसी के हिसाब से आपकी सील निर्धारित की जाएगी और उन सभी की इच्छाओं को एक साथ करके उस सील का निर्माण किया जाता है। अगर आपको कॉपर सील बनानी है तो आपको कम से कम इस पूरी एकेडमी के आधे छात्रों की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और गोल्डन प्रिंसिपल सील के लिए आपको कम से कम 60% स्तर की आवश्यकता होगी और प्लेटिनम प्रिंसिपल सील के लिए आपको कम से कम 70% स्टूडेंट्स की स्वीकृति हासिल करनी होगी। और मैं आपको बताता चलूं कि 10,000 वर्षों के अंदर केवल दो ही मास्टर टीचर्स थे जो प्लेटिनम सील हासिल करने में कामयाब हो पाए थे। उनमें से एक थे गोरहान, जो सभी मास्टर टीचर्स एकेडमी के छात्रों को अपना बच्चा मानते थे। और जब होंगवान शहर के अंदर एक युद्ध का माहौल बना तो उन सभी मास्टर टीचर स्टूडेंट्स के साथ में हमारे प्रिंसिपल भी उस लड़ाई के अंदर शामिल हुए थे और उसके अंदर डट के उन सभी राक्षसों का सामना किया था। और उसमें कुल 130 विद्यार्थी बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे और उन सभी का साथ देने के लिए हमारे प्रिंसिपल वहीं पर ही थे। और दूसरे प्रिंसिपल जिन्होंने प्लेटिनम सील हासिल की थी, वह 1000 वर्ष पहले प्रिंसिपल अथर्व थे। और इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे और इनके समय में इनके आसपास के एरिया में इनका सामना कोई भी नहीं कर पाता था। इनकी क्षमताएँ अलग थी। उन्होंने अपने समय में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और वे आपकी तुलना में भी कम नहीं थे। प्रिंसिपल अथर्व के बारे में बात करते करते हेड उत्कर्ष कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अलग सी चमक थी जब वे प्रिंसिपल अथर्व के बारे में बात कर रहे थे। ओह, नितिन ने अपने मन ही मन में सोचा, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने तो केवल यहाँ पर आके तोड़फोड़ ही करी है और यहाँ पर जितने भी कार्य हुए हैं उन सभी के अंदर मैं ही शामिल हूँ। क्या सही में प्रिंसिपल अथर्व मेरी तरह थे? हेड उत्कर्ष ने आगे बढ़ते हुए कहा। प्रिंसिपल नितिन, आप गलत हैं। आपके जितने बड़े तबाही के देवता नहीं थे। लेकिन अचानक से हेड उत्कर्ष चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया हो और उन्हें उसका एहसास हो गया था। लेकिन जब उन्होंने प्रिंसिपल नितिन की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल नितिन को जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। जब जाकर उन्होंने एक राहत की सांस ली। प्रिंसिपल नितिन, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जब अथर्व यहाँ पर आए थे, जब उन्होंने आते ही एकेडमी के अंदर सभी तरफ के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और उन्होंने एक रिकॉर्ड्स तोड़ने का पहाड़ भी बना लिया था। और 4000 साल बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ने में कामयाब हो पाया। रिकॉर्ड्स का पहाड़? नितिन तो हैरान हो गया उस बात को सुनते ही। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में नितिन हैरान वहीं पर ही खड़ा रह गया। हेड उत्कर्ष ने कहा, रिकॉर्ड वॉल वह जगह है जहां पर मास्टर टीचर्स अपनी 6-स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन इस सेमेस्टर के अंदर कोई भी मास्टर टीचर 6-स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा देने के लिए उस जगह पर नहीं गया है, इसीलिए वह 1.5 साल से बंद ही पड़ा है। पिछली बार जब इसे 1.5 साल पहले खोला गया था, तब इसके अंदर निधि ने ही मास्टर टीचर एकेडमी के नियमों के पश्चात इसके अंदर 6-स्टार मास्टर टीचर की परीक्षा दी थी। और 6-स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए कम से कम लड़ाकू का लेवल अर्धसंत लेवल तक होना चाहिए। अगर उसका लेवल इतना नहीं होता है और उसने वह परीक्षा पार कर ली होती है तो उसे केवल हाफ लेवल 6-स्टार मास्टर टीचर ही माना जा सकता है। और अथर्व जिन्होंने उस 6-स्टार सील के लिए उस एग्ज़ाम को देने की कोशिश की थी, वह लेवल 3 तक पहुंच गए थे, इसीलिए उनको वह सील प्राप्त हुई थी। और लेवल 3 तक पहुंचने का मतलब है कि उस लड़ाकू की लड़ाई तकनीकें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। नितिन ने उत्कर्ष से पूछा, तो अब मुझे 6-स्टार मास्टर टीचर का एग्ज़ाम देने के लिए और किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? क्योंकि नितिन के पास पहले से ही 6-स्टार सील्स और 7-स्टार सील्स भी पड़ी हुई थी, इसलिए नितिन ने हेड उत्कर्ष से पूछा। नितिन की बात सुनते हुए हेड उत्कर्ष ने कहा, अगर 6-स्टार मास्टर टीचर बनना है तो आपको कम से कम 3 चीज़ें पूरी करनी होगी। पहला है अपने सभी सहायक व्यवसायों के अंदर 6-स्टार सील को हासिल करना।
और जो कि आपके पास पहले से ही है, इसीलिए आपको उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। और दूसरा है आपकी आत्मा की गहराई 18 होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने देखा है कि आपने कबीर को इतनी आसानी से अपने बस में कर लिया था, इसीलिए मुझे तो लगता है कि आपकी आत्मा की गहराई इतनी तो होनी ही चाहिए। और जहाँ तक साधना की बात है तो उसके अंदर आपको 6-स्टार मास्टर टीचर बनने के लिए कम से कम आपका लेवल 9 तक होना चाहिए। और ये देखते हुए कि आपका लेवल अभी लेवल 9 स्टेज 1 पर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपको कम से कम स्टेज 3 तक होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद में आपको अपनी सारी उपलब्धियों का मूल्यांकन करवाना होगा और आपकी परीक्षा ली जाएगी मास्टर टीचर स्कूल के परीक्षा हॉल के अंदर। और इनमें से अधिक परीक्षाएं तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, जैसे कि किसी भी छात्र का मूल्यांकन करना, या किसी को भी लेक्चर देना, या किसी अजनबी को मौके पर ही उसके साधना के बारे में बताना। यह सब कहने के बाद में हेड उत्कर्ष थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए और उन्होंने कहा, लेकिन मुझे तो यह लगता है कि आपकी जो परीक्षा होगी ये इन सभी से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आखिरकार अब आप मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल जो बनने वाले हैं, और वह सभी आपके ऊपर कड़ी नज़र रखेंगे। और अगर आपने कोई सरल रास्ता चुना तो वह आपकी क्षमताओं पर शक करेंगे कि आप मास्टर टीचर एकेडमी के नए प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं हो सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा देनी होगी, और उसके लिए आपको जाना होगा एम्पायर बिल्डिंग में। एम्पायर बिल्डिंग? नितिन को कुछ समझ में नहीं आया कि हेड उत्कर्ष क्या कह रहे हैं। तो गाइस, एक और सस्पेंस के साथ में एक और एपिसोड ख़त्म होता हुआ यहाँ पे, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।